हमने एक क्वेश्चन करा था कि जिसमें स्पेशल केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन बट द प्रॉफिट्स वर इनसफिशिएंट, तो उसने बोला कि फिर प्रॉफिट्स को आप कैपिटल के रेशियो में बांट दो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मिलना था उस रेशियो में बांट दो जितने भी पैसे हैं। अब मजेदार चीज, मुझे मिलनी थी सैलरी, आपको मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे मिलनी थी सैलरी 10,000, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5,000, और हमारा प्रॉफिट हुआ 5,000। मुझे मिलनी थी सैलरी, आपको मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले क्या दें, सैलरी दें या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्योंकि उसने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। बट व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? चार्ज और अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन। व्हाट इज द नेचर ऑफ सैलरी? अप्रोप्रिएशन। तो ये कहां पे मेंशनड है, या मैंने आपको कब बताया कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा फिर सैलरी दी जाएगी, कैसा कभी कुछ बोला मैंने? तो कैसे पता चला आपको कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए? मैं कहूँगी एक बार बताओ यार, ये जो प्रॉफिट हुआ तो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है, मुझे सैलरी नहीं दोगे ठीक है बंद करो मैं काम ही नहीं करूंगा। तो मैं कहूंगा कि पहले सैलरी दो, आप कहोगे कि पहले इंटरेस्ट दो, इसको मिलनी थी कमीशन। तो क्या दें पहले, सैलरी दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें या कमीशन दें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है और सबका लेवल सेम है, सभी अप्रोप्रिएशन है, तो सर फिर क्या करें? ये तो आपका पॉइंट हो गया ना कि अगर सर कैपिटल ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा, अगर एम्प्लॉय ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, कैपिटल का करोगे या? पैसा तो सबके पास है, जो काम करने वाला ही नहीं होगा तो कैसे, जो क्लाइंट्स लेके आया है उसकी कमीशन ही नहीं दोगे तो क्लाइंट्स कहां से आएंगे? सबका लेवल सेम है इंपॉर्टेंस का, जब सभी अप्रोप्रिएशन है तो किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। हाँ चार्ज होता तो एक अलग ही बात हो गई, बट अगर तीनों अप्रोप्रिएशन है तो तीनों का लेवल सेम है, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट सब एक ही लेवल पे है, एक ही ऑर्डर के हैं। तो फिर क्या करते हैं कि अच्छा चलो पहले कैलकुलेट करो कि अच्छा आपको मेरे को मिलने थे 10,000, आपको मिलने थे 5,000, आपको मिलने थे 10,000, 25,000 की पेमेंट है हमारे पास, तो टोटली 5,000 है। तो कह रहे अच्छा पहले टोटल कैलकुलेट करो किसको कितने मिलने थे, मुझे 10 मिलने थे, आपको 5, आपको 10, तो 1:2:2 ये रेशियो हो गया 1:2:2, 5,000 को 1:2:2 में बांट दो, 5,000 में से मुझे 2,000 मिल जाएंगे, आपको 2,000 मिल जाएंगे, आपको 1,000 मिल जाएंगे। तो पहले हमने क्या करता, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंपेयर कर रहे थे, अब जितने भी पेमेंट्स हैं उन सबका टोटल निकालो, उसको कंपेयर कर दो, और जितना भी टोटल आएगा प्रॉफिट वो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। है बड़ी सिंपल सी चीज, लेकिन अगेन मैंने क्या बताया, कुछ चीजें डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट मजा तो तब आएगा ना कि जब आपने कोशिश करी हो तब आपको पता चले कि इसमें अलग क्या था, फिर आपने सुना और अप्लाई हो गया। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। सर हमें कैसे पता चलेगा कब ऐसे करना है, कब ऐसे करना है? जब प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, जब प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है और इतनी सारी पेमेंट करनी है तो ऐसा नहीं होगा। सर लेकिन ध्यान से देखो, हमारे पास प्रॉफिट थे 155, कैलकुलेट करते हैं, चलो ध्यान से देखना, कौन कौन है पार्टनर्स, कबीर, जोरावर और पारुल। सैलरी कितनी मिल रही थी, 24,000 कबीर को और 24,000 जोरावर को, पारुल को कुछ नहीं। पारुल टू गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, कमीशन सेल्स कितनी है, सेल्स फॉर द पीरियड 50 लाख, 50 लाख का 2%, 1 लाख, यस और नो, कोई डाउट अभी तक? अब आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल की 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% 520 मतलब 26,000, 320 मतलब 16,000, और 2 लाख का मतलब 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन क्लियर है?
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपकी इनकम है भाई, बोल रहे हो भाई भाई. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपकी इनकम है, इनसफिशियंट प्रॉफिट से उसका तो कोई लेना देना नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो इनकम में और ऐड हो जाएगी, जितना भी आपका प्रॉफिट है उसमें भी और ऐड हो जाएगी. अभी देखते हैं. 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अलग ही बातें चल रही है कि रिजर्व में भी कुछ ट्रांसफर करने के लिए. बचेंगे तो करोगे, बचेंगे तो करोगे ना. सेल्स फॉर द ईयर हो गई. ड्रॉइंग्स बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000. ड्रॉइंग्स है सबकी 60,000. ड्रॉइंग्स बाय ईच पार्टनर 60,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%. तो आईओडी 60,000 है ना, 60,000 का 5% तो 3,000 होता है. बट लमसम अमाउंट है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने पीरियड का होगा? 6 months. ये ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. तो इसका हाफ हो जाएगा 1500. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में किसी को डाउट? अब ये मिलना थोड़ी ना, ये तो हमने उनसे लेना है, पार्टनर से लेना है, इससे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी. इनकम कितनी थी? 155. अगर सिर्फ खर्चे का टोटल करें, सिर्फ खर्चे का टोटल करें, कबीर को कितना पैसा मिलना है? कबीर को कितने पैसे मिलने हैं? 50,000. जोरावर को 40,000 और पारुल को 1,10,000. टोटल पेमेंट कितनी है? ये तो 2,00,000 रुपए है, 2,00,000 की पेमेंट है. क्या है हमारे पास 2,00,000? नहीं. हमारे पास कितने हैं? 155 ये और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है. यस और नो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है. ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग देयर वाज 60,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट क्या है? 5% पर एनम. तो 15 × 3 = 4,500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है. तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,500. 1,55,500 का आपके पास प्रॉफिट है, प्लस फर्म की इनकम हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4,500. टोटल कितना हुआ? 1,60,000. और टोटल पेमेंट्स कितनी करनी है? 2,00,000. क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं? नहीं है. तो क्या करूं मैं मिताली, पहले सैलरी दूं, कमीशन दूं, या पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं? कह रहे आप टोटल कैलकुलेट करो, किसको कितने पैसे देने थे. जो भी रेशियो निकला, क्या निकला? 5:4:11, ये निकला ना. तो आपके पास जो 1,60,000 है उसको 5:4:11 के रेशियो में बांट दो. तो 5×9 = 5/20, 4/20, 11/20, 28, 8 = 5. कबीर को मिलेगा 40, 8 = 4 = 32, 8 = 11 = 18. मजेदार बट डिफिकल्ट. ये वैसी वाली चीजें हैं कि जो फर्स्ट टाइम मेरे को करनी पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता चल जाएगा. बट सर अगर एग्जाम में हम कर रहे होते तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है? कैलकुलेशन करके ही पता चल सकता है, कैलकुलेशन करके ही पता चल सकता है. वहां पे आंसर तो सामने गिवन नहीं होगा. अच्छा इनसफिशिएंट है, उस हिसाब से कर लेते हैं. तो पहले आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एक ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉफिट है कि नहीं. जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो रिजर्व कैलकुलेशन का तो मतलब ही नहीं है. तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी थी, फिर कंपेयर करना था प्रॉफिट्स के साथ. तो ये एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं, बट यस आ सकते हैं. यही तो आपका दिमाग थोड़ा सा खोलेंगे कि बेटा थोड़ा ध्यान देना कैलकुलेशंस का, कि जो अप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट को एक्सीड तो नहीं कर गई. कर गई तो रुक जाओ, कुछ भी नहीं दे सकते हम. जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कोई भी डाउट? मजेदार क्वेश्चन. क्लियर? क्लियर सर? अगर सफिशिएंट होती तो 5:3:2 के रेशियो में बांटते ना. नो, सफिशिएंट होता तो पहले सबको सैलरी मिल रही होती, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होता, फिर कमीशन मिल रही होती, फिर रिजर्व क्रिएट होता, फिर जो बच जाता वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटता ना. फिर तो वो तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं. यस और नो? यस सर. पूरा थोड़ी ना 5:3:2 में, तो पहले अप्रोप्रिएशन होती उसके बाद लास्ट में जाके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते. बट क्योंकि यहाँ पे अप्रोप्रिएशन देने के लिए, बट सर सैलरी देने के तो पैसे थे,
तो फिर तो वही बात हो गई ना कि सैलरी तो दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इसीलिए पहले आपको पूरी कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए तभी पता चला कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स थे पूरी अप्रोप्रिएशंस मीट करने के लिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।